सब कुछ खत्म हो गया जनाब। जो भी हो सलेह, तुम्हें तो चोट नहीं लगी ना, बस यही मायने रखता है। हाँ, पर मैंने कल तुम्हारे पापा से लगभग हमारे बारे में बात करी ली थी। मैं बात करने ही वाली थी उस बारे में, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। असल में मैं तुमसे बहुत गुस्से में थी, मगर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम इस मुसीबत में थे। तुम क्या सब खत्म करना चाहती हो? नहीं, ये बचना नहीं है। देखो जैनब, इतनी जल्दी में कोई फैसला मत लो। मैं तुम्हारे लिए फिर से कुछ करूंगा, अपने पैरों पर वापस खड़ा होने की कोशिश करूंगा। मुझे थोड़ी सी मोहलत दो बस, मैं कर लूंगा। मैं अपनी रोजी रोटी खो चुका हूं, पर अब तुम्हें नहीं खो सकता। साले, खुद को उदास मत करो ना, मुझे भी अफसोस है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। देखो जैनब, तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, हमारा प्यार इस मुश्किल को भी पार कर जाएगा। अच्छा, जो भी हो, मुझे स्कूल जाना चाहिए। मैं तुम्हें शाम को कॉल करूंगी, हम शाम को कॉफी पी सकते हैं, ठीक है? मैं वो सब करूंगा जो तुम कहोगी, तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा, बस तुम मेरे साथ रहना हमेशा, मैं हर मुश्किल पार कर जाऊंगा। ठीक है, मिलती हूँ। कितनी बार बोला है तुम्हें कॉल मत किया करो। जैनब, मुझे जरूरी बात करनी, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम शाम को मिलो मुझसे। मैं यहाँ नहीं हूँ, कहीं दूर चली गई हूँ, ठीक है? तुम उसी के साथ हो ना? उस साली नाम के आदमी के साथ? हाँ, मैं उसी के साथ हूँ। क्या हुआ, काम हुआ? मैंने बोला था बेटा, लेकिन तुम्हारी जिद थी, कभी मेरी बात तो सुनते नहीं, तुम सच्चाई का सामना नहीं करते हो। चलो, बहुत काम पड़ा है, अगर तुम्हारे सपने हो गए हों तो असली जिंदगी में लौट आओ और जो कुछ अपने पास है उसमें खुश रहना सीखो। ये सब सपना नहीं है पापा, ये सपना बनकर नहीं रह जाएगा। तुम्हारी हिफाजत करे, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं?